हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीदरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैंको गैम्बिट के बारे में, बैंको गैम्बिट डिक्लाइन और बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड। आज मैं आपको बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड के बारे में और भी वेरिएशन बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैंको गैम्बिट। सबसे पहले वाइट जब भी डी फोर पॉन मूव करता है तब हम यहाँ पे ओपनिंग चूज करते हैं कि क्या खेलना है। यहाँ पे नाइट एफ सिक्स, किंग्स इंडियन या फिर निम्जो इंडियन या बैंको गैम्बिट वगैरह वगैरह, सिक्योरिन डिफेंस। तो यहाँ पे डी फोर नाइट एफ सिक्स बैंको गैम्बिट जब खेलना है तो फर्स्ट मूव, फर्स्ट चॉइस नाइट एफ सिक्स रहती है। यहाँ पे वाइट मोस्टली सी फोर करता है। सी फोर इसलिए कि वो सेंटर कंट्रोल ई फाइव, डी फाइव, सी फाइव और बी फाइव चारों स्क्वायर में अपना शुरुआत से कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सी फोर अगेंस्ट सी फाइव, ये हम पॉन ब्रेक करने के लिए सी फाइव खेल रहे। जनरली वाइट अगर पॉन टेक्स पॉन करता है तो ये उसके लिए पोजीशन खराब हो जाती है, पॉन डबल भी हो जाता है। हम तुरंत ही क्वीन ए फाइव चेक लेके उसका ये पॉन ले सकते हैं और ऐसे ब्लैक के अपर हैंड हो जाता है ओपनिंग में। तो यहाँ पे जब भी हम सी फाइव करते हैं तो वाइट की चॉइस डी फाइव ही रहती है। उसके बाद बी फाइव पॉन ब्रेक फिर से हम करेंगे बैंको गैम्बिट में। सी क्रॉस बी फाइव दिस इज एक्सेप्टेड लाइन। यहाँ पे वाइट बैंको गैम्बिट को एक्सेप्ट करता है। वन मोर पॉन सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ पे ए सिक्स आफ्टर बी टेक्स ए सिक्स। ये दोस्तों ओल्ड लाइन है, मैंने आपको मॉडर्न लाइन लास्ट वीडियो में बता दी है और पहले ऐसा बैंको गैम्बिट खेला जाता था और इसके बाद में बहुत से चेंजेस आ गए हैं इसमें। आफ्टर बी ए सिक्स बिशप टेक्स ए सिक्स, बिशप ए सिक्स, उसके बाद नाइट सी थ्री। अब आप देख सकते हो कि ई फोर, बहुत सारे लोग ई फोर भी खेलते हैं, ई थ्री भी करते हैं। यहाँ पे e4 में बिशप टेक्स f1, ये दूसरा वेरिएशन है, मैं ये भी इसके बाद बताऊंगा आपको। तो देखते हैं नाइट c3 में क्या होता है। आफ्टर नाइट c3 बैंको में ऑलवेज g6 से बिशप निकाला जाता है। वाइट यहाँ पे खेलता है f4, यहाँ d6, इस पॉन को एक बार स्टॉप करना जरूरी है। नाइट f3, बिशप g7, अब e4, वाइट का जो नाइट का सेटअप है वो आ गया है। यहाँ पे आपको बिशप टेक्स f1 करना है। अब आप वाइट का किंग साइड का कैसलिंग ब्रेक कर रहे हो। अगर वो रूक से मारे तो भी कैसलिंग नहीं होगा और किंग से बिशप लेगा तो भी कैसलिंग नहीं होगा। मोस्टली यहाँ पे रूक से लिया गया है हिस्ट्री में, r क्रॉस f1 और फिर ब्लैक कैसल। अब इसमें वाइट की ओर से e5 सेंटर ब्रेक और नाइट e8, ये जो मेन ओपनिंग मूव्स है, ये उसके मूव ऑर्डर है। किंग f2 आप कभी कभी चेंजेस कर सकते हो लेकिन वो आपके रिस्क के ऊपर है। किंग f2 के बाद नाइट d7, क्वीन e2 और नाइट b6। इस गेम में मोस्टली ब्लैक जो है पॉन सेक्रीफाइस करने के बाद ए फाइल और बी फाइल, ये दोनों फाइल में अच्छे से प्ले कर सकता है। बहुत सारी गेम्स पहले आपको देखनी होगी ऑनलाइन, उसके बाद ही आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट लाइन है, इतनी इजी नहीं है। पोजिशनल भी इसमें, पोजिशनल प्ले अगर आप करने जाओगे तो ज़्यादातर आपकी गेम माइनस होगी। अटैकिंग मूव आपको ढूंढनी होंगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा वेरिएशन e4 का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। d4 नाइट f6 लर्न करने में एकदम आसान है दोस्तों ये लाइन। c4 c5 d5 और यहाँ पे पॉन ब्रेक b5, पॉन टेक्स पॉन ए सिक्स और बी टेक्स ए सिक्स और बिशप टेक्स ए सिक्स, यहाँ तक हमने देखा। अब नेक्स्ट मूव में वाइट नाइट सी थ्री करता है और जी सिक्स और अब वाइट ई फोर करेगा। तो ई फोर अगर तुरंत कर दिया तो आपको बिशप टेक्स एफ वन ले लेना है यहाँ पे। आफ्टर किंग टेक्स एफ वन, क्योंकि नाइट डेवलप नहीं हुआ है तो रुक टेक्स एफ वन पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको तुरंत डी सिक्स करना है
d6 के बाद व्हाइट खेलेगा g3, आर्टिफिशियल कैसलिंग करेगा किंग g2, नाइट डेवलप और फिर रुक e1, ऐसा कुछ प्लानिंग है इसमें। g3 में आपको खेलना है बिशप g7, bg7 में व्हाइट खेलेगा किंग g2 और यहाँ पे आपको करना है कैसलिंग। आफ्टर कैसलिंग व्हाइट खेलेगा नाइट f3, nbd7, रुक e1, ये सारे मूव ऑर्डर है, खास ध्यान से देखिए। नाइट g4 और उसके बाद नाइट e5 यहाँ पे स्टे करना है। क्वीन e2 व्हाइट खेलेगा क्वीन e2, nge5, नाइट d2, नाइट b6। नाइट d2 का मतलब है वो f4 खेलना चाहता है। f4 आफ्टर f4 ne d7 और यहाँ पे a4 रुक a7 आफ्टर a5 क्वीन a8। बहुत ही अच्छी पोजीशन है ब्लैक के लिए, अटैकिंग पोजीशन है, पोजिशनल प्ले नहीं है ये, तो टोटली अटैकिंग प्ले है। तो अब ये पोजीशन, ये ओपनिंग मैं आपको ज़्यादातर खेली, बहुत ही कम गेम खेली गई है, लेकिन कई लोग बैंको गैम्बिट की डिमांड करते हैं कि मुझे बैंको सीखना है, इसलिए मैंने खास ये दो वीडियो बैंको के लिए बनाए हैं। इससे पहले वाला वीडियो बैंको गैम्बिट का है और ये भी बैंको गैम्बिट का है। आप दोनों वीडियो देख के सारे वेरिएशन इसमें बैंको के तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ओपनिंग लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय गुजरात।